Hi guys, Arati here and welcome to my channel. अगर आपने कभी solo travel किया नहीं है या करना चाहते हो लेकिन ऐसे अंदर हिचकिचाहट होती है अरे solo travel कैसे करने का मतलब is it safe और मतलब कंटाला नहीं आता ऐसे lonely feel नहीं होता जिन्होंने अभी तक कभी solo traveling की ही नहीं है तो उनके मन में ना ऐसे बार बार question आता है कि is it safe to travel solo? अगर आप इंडिया में solo traveling करने का सोच रहे हो या वर्ल्ड के कोई भी कोने में solo traveling करने का सोच रहे हो तो कुछ ऐसी basic चीजें रहती है कि अगर वो आप ध्यान में रखते हो तो आपका सोलो ट्रैवलिंग बहुत ही आसान हो सकता है जानना चाहते हो कैसे तो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे खुद ध्यान रखना पड़ता है Always keep a charge phone with yourself. हम सभी के पास स्मार्टफोन है लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ना ये ज़्यादा काम करके उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हमें क्या करना है कि एक जो साधा फ़ोन आता है पता है वो नोकिया का फ़ोन आता था 1000 रुपये वाला जिसमें कुछ भी एप्लीकेशन नहीं चलता था सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो तो ये वाला फ़ोन भी आप एज एक्स्ट्रा फ़ोन करके आपके पास सिम कार्ड डाल के फुल्ली चार्ज करके रख सकते हो सो ऑलवेज कीप बोथ दिस फ़ोन चार्ज विथ योरसेल्फ एंड इफ पॉसिबल कैरी अ पोर्टेबल चार्जर ऑल्सो जहाँ पे आप जा रहे हो जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ का गूगल मैप आप ऑलरेडी डाउनलोड करके आपके फ़ोन में रख सकते हो ताकि अगर इंटरनेट चला जाता है फिर भी आप आसानी से उस एरिया में घूम सकते हो जब मैं मोटरसाइकिल राइड पर जाती हूँ ना तो ये तो चीज़ मैं करके रखती हूँ जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है होटल्स एंड जगह ऐसे वाली बुक करो कि जहाँ पे आपको लॉकर्स मिल जाए ताकि आपका सामान आपके होटल में अच्छी तरीके से सेफ रहे और आप इजीली आराम से एक्सप्लोर कर सको आई ऑलवेज 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 स्टिक टू दिस रूल मैं कभी भी रात को अकेली ट्रैवल नहीं करती हूँ ट्राई नॉट टू गो एंड एक्सप्लोर अननोन प्लेसेस रात को आप दिन में वहाँ पे जा सकते हो और अगर इतना ही इम्पॉर्टेंट है रात को जाना देन अगर आपकी किसी लोकल के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है या होटल मेंबर्स रहते हैं या गाइड रहता है गो विद गुड पीपल बट ट्राई नॉट टू गो अलोन ड्रेस अप्रोप्रिएटली मतलब हर एक एरिया का खुद का कल्चर रहता है वहाँ के लोकल लोग पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं हम लोग कोई और एरिया में जाते हैं तो उनका ड्रेस कोड फॉलो करके हम लोग आसानी से उनके कल्चर के साथ मिक्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बीच के ऊपर बिकिनी पहनना ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है बट अगर आप कोई और कंट्री में जाते हो तो बीच के यहाँ पे बिकिनी पहनना ये कॉमन सेंस है अगर आप पानी में जाते हो तो बिकिनी या स्विम सूट होना चाहिए तो हर एक कंट्री का हर एक देश का अलग अलग ड्रेस कोड होता है सो इट्स अ कॉमन सेंस कि जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो कोई एरिया में हो वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हो जब मैं मुंबई टू कन्याकुमारी राइड पे थी मुझे याद है कि जब मैं सेलम में तमिलनाडु में मेरे होटल के यहाँ पे पहुँची तो वहाँ का जो वॉचमैन था जब मैंने मेरी बाइक रुकाई तो उसने आके मुझे पूछा कि अरे मैडम आप अकेले हो और मैंने फटाक से बोल लिया कि हाँ मैं अकेले ही हूँ मैं मुंबई से कन्याकुमारी राइड कर रही हूँ महाराष्ट्र आज टुडे टुडे बैंगलोर या नो आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर टुमारो मदुरई या सिंगला तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए विद कंसर्न कि प्लीज़ ऐसे खुद का इन्फॉर्मेशन इजीली शेयर मत किया करो आई डू अग्री एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न बट एक गट फीलिंग नाम की चीज़ होती है और मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ना जब घर पे रहते हैं ना तो काफ़ी ऐसे फियरफुल रहते हैं लेकिन जब आप बाहर अकेले घूमने जाते हो तो आपका पूरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहता है आपको खुद का ख्याल रखना पड़ता है एंड ये सब करते टाइम ना एक गट फीलिंग नाम की जो चीज़ रहती है ना वो काफ़ी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना तो आपके सब सेंसेस कान नाक आँखें ऐसे ना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो गट फीलिंग बढ़ जाता है तो मैं हमेशा गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट रखती हूँ तो डेफिनेटली मैं सब लोगों के साथ मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती हूँ लेकिन सामने देख के पता चलता है बात करने से पता चलता है वाइब पता चलती है कि सामने वाला पर्सन कैसा है अगर मुझे वो सही लगता है तो मैं बताती हूँ जो सच्चाई है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ या जो भी है अगर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं बताना चाहिए देन आई डोंट शेयर माई इन्फॉर्मेशन सो इट्स अप टू यू लिसन टू योर गट फीलिंग एंड देन ट्राई नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड इफ़ यू फील लाइक द अपोजिट पर्सन इज़ यू नो गुड इनफ
देन आप उसके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते। हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके क्लोज वंस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जब मैं सोलो राइड जाती हूँ तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, देन क्लोज वन, इन सबको मैं बता के जाती हूँ कि मैं यहाँ यहाँ जाती हूँ, ताकि इन केस अगर आपको आने के लिए लेट हो जाता है, अगर आप कहाँ पे स्टक हो जाते हो, तो वो लोग सोचने लगेंगे, राइट, इसका फ़ोन नहीं आया, इसका टेक्स्ट नहीं आया, क्या हो गया। तो एटलीस्ट देयर विल बी समवन हु विल स्टार्ट वंडरिंग कि अरे ये बंदा कहाँ पे गया, ये बंदी कहाँ पे गई। सो ऑलवेज लेट अदर पीपल नो दैट वेर यू आर गोइंग। एंड अगर आप फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स, क्लोज वन को तकलीफ या ये वरी नहीं देना चाहते, अगर आपको लगता है कि ऐसे सब बोलने से उनको ऐसे टेंशन होता है, देन शेयर योर इन्फॉर्मेशन विद योर ऑनलाइन फ्रेंड्स। लोकल इमरजेंसी नंबर, जिसमें आता है पुलिस का नंबर, डॉक्टर्स के नंबर्स या और किसके नंबर्स आते हैं, जितने भी लोकल इमरजेंसी नंबर्स आपको लगते हैं कि आपको रखने चाहिए, ट्राई टू कीप इट इन अ डायरी, ट्राई टू सेव इट इन योर फोन ऑल्सो। स्टे कॉन्फिडेंट। हाँ, ये तुम्हारा शायद सोलो फर्स्ट ट्रिप होगा एंड तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटमेंट होगी, नर्वसनेस होगा और मे बी एन्जाइटी भी हो सकती है। एंड ये सब अंदर की चीज़ है ना, आसानी से चेहरे पे दिखने लगती है। अगर आपके ये चेहरे पे ऐसे आता है तो आजू बाजू के लोगों को भी ये दिखने के लिए मिलता है एंड वो सब समझ जाते हैं कि यू आर ट्रैवलिंग अलोन। सो इट्स लाइक ओपन इन्विटेशन टू एवरीवन कि हाँ, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ ये एरिया में। सो आपको ऐसे कुछ भी नहीं दिखाना है, यू नीड टू स्टे कॉन्फिडेंट। एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जो ये सब चीज़ें मैंने इसके पहले आपको बोली है वो अगर सब आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट। एंड हैव फेथ दैट इट्स गोना बी द बेस्ट अमेजिंग ट्रिप ऑफ योर लाइफ। यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन, यू विल मेक गुड फ्रेंड्स, यू विल हैव लॉट्स ऑफ गुड मेमरीज। तुम अच्छा खाना खाओगे, अच्छे जगह पे जाओगे, अच्छा एंजॉय करोगे एंड बहुत अच्छी मेमोरी बना के घर पे आओगे। एंड ये मेमोरी आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर ये फेथ आपके पास रहेगा कि नो मैटर व्हाट, वेर एवर आई एम गोना स्टे सेफ एंड हैप्पी, तो ये फेथ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। स्टे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस से क्या होता है ना कि लोकल लोगों को लगेगा कि यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। हजारों करोड़ों लोग सोलो ट्रैवलिंग पे जाते हैं, सेफ जाते हैं, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं और गुड मेमोरीज लेके रिटर्न घर पे आते। उन्हीं में से एक बनना चाहोगे, आई थिंक तुम जाना चाहते हो एंड यू माइट थिंक ऑफ गोइंग ऑन योर फर्स्ट सोलो ट्रैवल ट्रिप। Yes, that can happen. So guys, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो नई सीरीज मैंने चालू की है वेनसडे #, Ask Arati, उसके बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो ना। नीचे कमेंट सेक्शन में #, Ask Arati, ऐसे #, यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। अगर आप में से कोई भी सोलो ट्रिप पे जाना चाहता है या आप रिसेंटली सोलो ट्रिप पे जाके आए हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ YouTube पे नहीं, आप Instagram पे भी मुझे #AskArati ये #, यूज़ करके आपके स्टोरी में या पोस्ट में या मुझे DM करके मुझे बता सकते हो आपके जो भी क्वेश्चंस है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब डाउन बिलो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी। और मैं ऐसे ही आपको हमेशा नए नए वीडियो में मिलती रहूंगी। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।